गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुपर हीरो मल्टीवर्स। और आज इसमें हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी पे प्लॉट लीक के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे मूवी की कहानी क्या होने वाली है और प्लॉट लीक में किस किस कैरेक्टर का अपीयरेंस बताया गया है इस मूवी में, थॉर इसमें कैसा दिखने वाला है और इसमें कौन कौन से विलन होने वाले हैं, और इस स्टोरी में इस लीक में किस कैरेक्टर का मेजर डेथ बताया गया है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल पाए। और मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग भी दे देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लीक जिस सोर्स से आ रहा है वो काफी ट्रस्टवर्थी है और हो सकता है कि मूवी में ये हमें देखने को मिले, तो इसलिए मैं आपको पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थॉर लव एंड थंडर एमसीयू की थॉर मूवी सीरीज की चौथी मूवी है, जिसे टाइका वाइटिटी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें थॉर के रोल में क्रिस हेम्सवर्थ भी फिर से नजर आएंगे, और इसमें टेसा थॉम्पसन, वैलकेरी के नेटली पोर्टमैन, जेन फॉस्टर और लेडी थॉर के रोल में नजर आएंगे। क्रिश्चियन बेल गॉड द गॉड बूचर के रोल में नजर आएंगे। तो प्लॉट लीक की बात करें तो इस मूवी में थॉर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ इंटरगैलेक्टिक सफर पर निकला होगा, तभी उस पर हमला होगा, और वो हमला और कोई नहीं बल्कि गॉड द गॉड बूचर करेगा, जिसका रोल हमें क्रिश्चियन बेल करने वाले हैं। और उस फाइट में गॉड और उसकी आर्मी उन लोगों पर काफी भारी पड़ेगी, क्योंकि थॉर और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते और उन पे अचानक हमला कर देता है गॉड द गॉड बूचर। गॉड द गॉड बूचर एक ऐसा विलेन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कॉमिक्स की डिटेल दे देता हूँ। गॉड द गॉड बूचर एक ऐसे प्लेनेट पे रहता है जहाँ लोग गॉड को बहुत ज्यादा पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी नेचुरल इफेक्ट के कारण, नेचुरल कॉज के कारण वहाँ लोग एक एक करके मरने लगते हैं, जिसमें इसकी फैमिली मेंबर भी होते हैं। तब ये सोचता है कि जिस गॉड को हम इतना पूजते हैं, जिसको हम इतना मानते हैं, उनको रहते हुए हमारे यहाँ की ये हालत हो गई, सब मर गए, सब तबाह हो गए, तो वो गॉड से ही दुश्मनी, वो सोचता है कि ये गॉड ही इन सबके दोषी है, तो वो उस दिन से गॉड का दुश्मन बन जाता है, इसलिए उसे गॉड द गॉड बूचर कहा जाता है। और उसी वक्त, जैसा कि कॉमिक्स में कहा गया है, उसी वक्त दो गॉड लड़ते हुए नीचे गिरते हैं, जिसमें से एक गॉड होता है नल, जो वेनम का गॉड भी माना जाता है। जी हाँ, वेनम जो आप देखते हैं मूवी, एक्चुअल में इसका सारा स्टोरी जो है नल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नल इन लोगों का गॉड माना जाता है। और तभी वो काफी घायल होता है, और उसकी वेपन से गॉड को एक पावर मिलती है, एक तलवार मिलती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा ताकत मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक गॉड का हथियार था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा पावर मिल जाती है, और वहीं से वो जो है एक एक करके सारे गॉड को मारना शुरू कर देता है। तो ये थी गॉड द गॉड बूचर की कुछ ओरिजिन जो मैंने शॉर्ट में आपको बताई। तो वापस हम प्लॉट पे आते हैं, जहाँ थॉर काफी जख्मी होता है गॉड के हमले के बाद। उसके बाद गॉड द गॉड बूचर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे जितने भी एस्गार्डियन है उन सबको मारने वाला हूँ अर्थ पे जाके, और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद लेटर थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ अर्थ पे जाता है और सोचता है कि कहीं गॉड यहाँ तबाही तो नहीं मचा रहा। वो देखता है, ढूंढता है गॉड को, पर वो वहां गॉड उसे दिखता नहीं है। इसी वजह से वो जेन फॉस्टर से एक हेल्प लेना चाहता है। वो उसे कहता है कि वो किसी तरह रिसर्च करके उसके गॉड द गॉड बूचर के पास एक ऐसा तलवार है जिसके अंदर काली शक्तियां है, अगर वो रिसर्च अपने रिसर्च से उसे खोज ले और उसकी मदद करे तो उसके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि वो उसे ढूंढ के उसे रोक सकता है दुनिया को तबाह करने से। और एबिगेल ब्रांड स्वॉर्ड का डायरेक्टर होता है, जो उसे इस बात के लिए मना करता है, क्योंकि उस समय जेन फॉस्टर स्वॉर्ड में ही काम कर रही थी और उसे ये पसंद नहीं आता कि वो स्वॉर्ड का काम छोड़कर थॉर की मदद करे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एबिगेल ब्रांड ये वही बंदा है जिसे हमने वांडा विजन शो में देखा था, और ये उस समय भी स्वॉर्ड का डायरेक्टर हमें दिख चुका है पिछले सीरीज में। फिर थॉर और जेन फॉस्टर न्यू एस्गार्ड जाते हैं, जहाँ वो फिर से रीयूनिट होते हैं वैल्करी के साथ, और लोकी भी मिलता है। और मैं बता दूं कि ये वही लोकी है जो हमें शो में देखा था, जिसका टाइमलाइन इरेज हो चुका है। और ये तो मैं 100% नहीं कह सकता कि इस मूवी में लोकी दिखने वाला है, बट लीक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये 100% नहीं, इसे मान सकते हैं। फिर लीक में ये भी बताया गया है कि एक ऐसे फाइट के दौरान जब थॉर गॉड से हारने लगा, जेन फॉस्टर के कैरेक्टर वर्दी हो जाता है म्योनर उठाने के लिए, और किसी मैजिक से या किसी स्पेल से म्योनर जो है फिर से दोबारा जुड़ जाता है, और फिर जेन
जेन फॉस्टर को लेडी थॉर बन जाती है और उसे थॉर की सारी पावर मिल जाती है और वो थॉर के मियोनियर को उठाने के लिए वर्दी हो जाती है। फिर दोनों मिलकर गौर से लड़ते हुए हमें दिखेंगे और काफी बेहतरीन वो फाइट होने वाली है, वो फाइनल फाइट। और इस फाइट में हमें गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी से रॉकेट और ग्रूट भी इसमें लड़ते हुए हमें दिखेंगे, बाकी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर नहीं दिखेंगे। पता नहीं इसमें कोई शायद इसलिए पूरे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अपनी उनको सेपरेट रखा गया है गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। दैट्स व्हाई पूरे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी आपको इस मूवी में नहीं दिख। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हमें एक मेजर डेट भी दिखने वाला है और वो किस कैरेक्टर का होगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज मेरे साथ आप बने रहे। और थॉर हमें मस्कुलर फॉर्म में दिखेगा, जी हाँ, एंड गेम की तरह मोटा थॉर हमें नहीं दिखने वाला है। इस मूवी में हमें मस्कुलर फॉर्म में थॉर नजर आने वाला है, जिसके आप कुछ इमेज या फिर ऑफिशियल इमेज जो दिया दिखाया गया है और बिहाइंड द सीन के कुछ पिक्चर्स में भी हमने देखा है कि थॉर काफी मस्कुलर नजर आ रहा है। इस मूवी में जो मेजर ट्रेड दिखाने वाला है वो कॉर्ग या मेक में से किसी एक का होने वाला है जो गॉड द गॉड बोचर के हाथों मरने वाला है। ये थे थॉर लव एंड थंडर के कुछ स्टोरी लाइन के कुछ प्लॉट लिख, जिसके हिसाब से मैं श्योर हूँ कि आप लोग काफी एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। हमें कमेंट में बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड है वो हमें कमेंट में भी बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और भी देखना चाहते हैं हम इस तरह की वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।